फिर से आते हैं अर्चना पर रोटी की फाइट में आपने जो भी स्टैंड लिया आप अड़ी रही उस मामले में स्टैंड ऑफ नॉन माई बिजनेस मैं नहीं घुसूंगा पर मुझे आपको ना आपके कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है जी सर ये शो आपके घर में कौन कौन देख रहा है आपके फैमिली है आपकी जी सर सभी लोग हैं सब मम्मी पापा भाई आप घर पे ऐसे ही हो सर थोड़ी थोड़ी इतना घर पे इतना ज्यादा गुस्सा नहीं आता ये जो अल्फाज जो वर्ड्स यूज़ करती हैं आप ये घर पे सर मैंने अभी एक हफ्ते से कुछ भी नहीं किया बोला वो आप लोगों के मंडली का काम करती है नौकर की तरह केयर टेकर की तरह एक और बात आपने बोली सुम्बुल के लिए शक्ल देखकर रानी राजा बनाओ भैया शक्ल देखकर तो आप रानी राजा बनने के लायक हो सर मैं तो बनती नहीं सर मुझे इतना कोई वो नहीं, नहीं है सर पॉइंट वो नहीं लेकिन जब आप किसी के शक्ल की तो आप ये तो भी आई आपको बताया कि ये जो शक्ल है ये पूरा हिंदुस्तान जानता है जी सर और इस शक्ल की वजह से इन्होंने इतना काम किया है आपने दो परसेंट भी काम नहीं किया जितना कि इन्होंने किया दो परसेंट किया 0.2% भी इतना काम नहीं किया जितना कि इन्होंने किया है और कब से करतियां आ, आ रही हैं तो सर 25 लाख नागो भाई ना सर 25 उसकी बस है सॉरी उसके लिए सर फिर शालिन के लिए आपने क्या कहा बहुत रहा है कुत्ते की तरह मेरे तो कुत्ते भी तेरे जैसे नहीं है मेरे तो कुत्ते भी रिस्पेक्ट करते हैं कुत्ते जैसा मुंह है आप वैसे अपने आप को समझती क्या है भी तो बोला मेरे को सर आपने बिग बॉस के लिए भी बोला आपने बिग बॉस के लिए भी बोला नहीं सर। बहुत हो गया बिग बॉस आपका भी बहुत हो गया वो मैंने नहीं सिर्फ मैं ही दिखती हूँ आपको सोते हुए ये लोग नहीं दिखते अब बताती हूँ अब आपको खुले में दिखाती हूँ लोग सोएंगे ना तब मैं बताती हूँ लोग सो रहे हैं ये बोला था सर मैंने इनको बोला था सर बिग बॉस को नहीं बोला था आप ऐसे अपने आप को समझती क्या हो मुझे ये जानना है कुछ नहीं हाँ अगर आप अपने आप को कुछ नहीं समझती हो और आप ये सब अल्फ़ाज़ हैं और ये सब स्टेटमेंट्स मार रही हो सबके खिलाफ़। तो मैं बोलूंगी नहीं आपसे। तो जिस दिन आप अपने आप को कुछ समझोगी तो उस वक्त क्या होगा